Hi everyone, welcome back to my channel. In today's video, I'm going to show you all the products which I recently purchased from Myntra and Amazon. आपको टाइटल पढ़ के समझ आया होगा कि आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली एक हॉल वीडियो है एंड नॉट ओनली फ्रॉम अ स्पेसिफिक वेबसाइट, जैसे कि नॉट ओनली फ्रॉम Myntra और Amazon, बट ये दोनों वेबसाइट से ही. As you know guys, that हाल ही में फेस्टिव सीजन था एंड आई एंड अप परचेजिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर एंड मैंने सोचा कि वाई नॉट टू शेयर विद यू ऑल, सो दैट इन केस अगर आप ये सोच रहे हो टू परचेज कोई भी प्रोडक्ट जो आपको अच्छा लगे, सो इट माइट हेल्प यू. एंड या ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हो, सो डोंट वरी अबाउट दैट. एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ गाइस कि इस हॉल में टोटल तीन कैटेगरी है. फर्स्ट वन इज ऑफ कोर्स द एथनिक वेयर, सेकंड वन इज द वेस्टर्न वेयर एंड द थर्ड वन इज द एक्सेसरीज पार्ट. एक्सेसरीज में आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट आर द ज्वेलरीज आई परचेज एंड हैंड बैग, स्लिंग बैग्स. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो गाइस, आई वुड लाइक टू से दैट इफ यू आर न्यू इनटू माय चैनल या अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू the bell icon so that whenever I will come up with new content, you will get the notification. Now, without further ado, let's get started. All right, guys. So first, मैं ethnic wear से start कर रही हूँ और जो पहला product है, मैं दिखाना चाहूँगी. This one is from Aurelia. I personally love their collection when it comes about festive as well as जो डेली वेयर का उनका कलेक्शन रहता है, सिंपल प्लेन कॉटन कुर्तीज और कुर्ताज, आई लव इट. एंड मुझे इस तरीके के फेस्टिव सीजन में इस तरीके के कुर्ता पहनना बहुत अच्छा लगता है. वन मोर थिंग गाइस, मैं बता देती हूँ कि डोंट फॉरगेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो, क्योंकि वहां पे मैं सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मेंशन कर दूंगी. एंड या इफ यू वांट टू नो कि प्राइस कितना लिया है, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर, बट या आई विल चेक द ऑर्डर लिस्ट इन माई ऐप एंड मैं मेंशन कर दूंगी कौन से प्रोडक्ट का कितना प्राइस मैंने पे किया है परचेज करते वक्त, सो दैट आपको भी एक क्लैरिटी मिल जाए. सो या दिस इज द फर्स्ट कुर्ती विच आई एब्सोल्युटली लव. इसका जो कलर है बहुत ही प्यारा सा ग्रीन कलर है. इट्स नॉट टू ब्राइट और टू डल, इट्स जस्ट अ सोबर एंड एलिगेंट वन. एंड इसके पीछे भी थोड़ा सा, दिस शोल्डर में भी थोड़ा सा काम किया हुआ है. सो यस, आई पर्सनली लव दिस कुर्ती. एंड इफ यू आर लाइक मी, जिनको कुर्तीज में ये सबल गोल्डन वर्क पसंद है, देन या यू कैन गो फॉर इट. एंड अगर आप सोच रहे हो कि इसका कलर जाएगा कि नहीं, देन आई कैन एश्योर यू वन थिंग गाइज कि इसका कलर नहीं जाएगा, बिकॉज ऐसा ही कुर्ती मैंने और दो परचेज किया था लास्ट ईयर फ्रॉम Aurelia एंड आई पर्सनली लव्ड इट. कलर वॉश आउट नहीं होता है और ये जो डिज़ाइन है वो भी इंटैक्ट रहता है. या एंड वन मोर थिंग गाइज, दिस कुर्तीज विल गो ग्रेट विथ प्लाजो और लेगिंग्स, बट या आई प्रेफर प्लाजो मोर देन लेगिंग्स, वो ज़्यादा अच्छा रहता है. बट विंटर सीजन में यू जस्ट वियर दिस कुर्ती एंड विद अ शॉल एंड प्लाजो और टीम अप विथ लेगिंग्स और साथ में एक हाई हील, ओ माई गॉड, इट इज रियली गोइंग टू लुक गुड. और अगर आपको हील पहनना पसंद नहीं है तो आप कोल्हापुरी भी पहन सकते हैं इसके साथ, इट विल रियली लुक गुड. सो यस, दिस इज द वन फ्रॉम Aurelia विच आई परचेज्ड, आई लव्ड इट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट. नेक्स्ट वन इज ये एक एथनिक मैक्सी ड्रेस है. मैंने इससे पहले कभी भी एथनिक मैक्सी ड्रेस परचेज नहीं किया है, दो आई लव लॉन्ग ड्रेसेस. इसका दो लेयर है एंड दिस वन इज फ्रॉम लिबास, लेट मी शो यू. दिस इज द फर्स्ट लेयर, ये नॉर्मल कुर्ती जैसा है एंड ये मिड लेंथ है, लाइक इट्स जस्ट बिलो द नी लेंथ, बट ये आपके फीट तक टच नहीं करेगा. इट्स यू कैन सी अ मिडी मैक्सी ड्रेस और समथिंग लाइक दैट. या सो वन, दिस इज द सेकेंड लेयर, इट्स लाइक अ जैकेट, इट्स लाइक अ जैकेट. आप इसको टाई अप कर सकते हो. नाउ मैं इस वीडियो में आपको कोई भी ड्रेस पहन के नहीं दिखा सकती बिकॉज आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट. रही बात इसकी क्वालिटी की, मैंने इसको एक बार पहना है एंड आई वॉश्ड इट, कलर नहीं आया है, सो यस इट्स अ ग्रेट चॉइस. अगर आपको कैजुअल लाइक
ऑफिस वेयर आप इफ यू आर सर्चिंग फॉर मैक्सी और एथनिक मैक्सी ड्रेस फॉर योर ऑफिस वेयर या कैजुअली कहीं जाने के लिए आई थिंक दिस इज सो परफेक्ट एंड सो इजी टू गो इफ यू आर अ मैरिड वुमन आई थिंक इट इज गोइंग टू लुक ग्रेट ऑन यू मोर ओवर अगर आप मैरिड नहीं भी हो तब भी आपको अच्छा लगेगा बिकॉज़ आई एम नॉट मैरिड एंड आई पर्सनली लव टू वेयर दिस इट बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है नाउ मूविंग टू द थर्ड प्रोडक्ट थर्ड वन इज फ्रॉम अडब्ल्यू इट्स अ वेरी स्वीट पिंक कुर्ती विच आई परचेज मुझे व्हेन इट कम्स अबाउट कुर्ती गाइस आई रियली प्रेफर डब्ल्यू और ऑरेलिया क्योंकि उनका जो कलेक्शन होता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है स्पेशली फेस्टिव कलेक्शन उसके बाद ऑफकोर्स देयर इज अनदर ब्रांड कॉल्ड बीबा विच इज काइंड ऑफ फेमस आई लव बीबा बट बीबा का फेस्टिव कलेक्शन रीजनेबल प्राइस में ढूंढना इट्स वेरी डिफिकल्ट सो या फेस्टिव सीजन एंड आपको एथनिक डिजाइन चाहिए थोड़ा बहुत तो डब्ल्यू एंड ऑरेलिया इज अ मस्ट टू ट्राई सो यस व्हाट आई लव अबाउट दिस कुर्ती इज फर्स्ट ऑफ ऑल द कलर कॉम्बिनेशन आई लव्ड इट इसका पिंक एंड ब्लू कलर इज वंडरफुल और उसके बाद ये जो टसल्स है लाइक व्हाइट डिटेल्ड वर्क जो किया हुआ है व्हाइट डिटेल्ड वर्क जो किया हुआ है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा इसके साइड में भी इफ यू सी तो यहाँ पे भी काम किया हुआ है व्हाइट कलर जो काफी एलिगेंट लगता है एंड इट विल लुक सो गुड विद अ बेज और व्हाइट लेगिंग्स और अ प्लाजो बहुत अच्छा लगेगा मैंने अभी तक इसको ट्राई नहीं किया मैंने पहना भी नहीं है बिकॉज कोविड की वजह से मैं पूजा के टाइम लाइक फेस्टिव सीजन में ज्यादा बाहर नहीं गई हूँ बट या आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वेयर दिस सो यस दिस इज द थर्ड प्रोडक्ट विच आई परचेज दिस वन इज फ्रॉम डब्ल्यू एंड इसका जो इवन जो ब्लैक कलर का डिटेल्ड वर्क किया हुआ है व्हाइट कलर का जो थोड़ा बहुत डिटेल्स उन लोगों ने दिया हुआ है इट्स अमेजिंग सो इफ यू लव टू वेयर एथनिक ड्रेसेस और आपको कुर्ती पहनना पसंद है One thing guys, I am a bit confused about kurtis and kurtas. So, aap isko jo bhi bolo, kurti ya kurta. So, if you love to wear, then you must give it a try. It will go with all kind of complexions. Now, moving to the fourth product. It's a plain and simple black kurti. और कुर्ता विच एवर यू से मैं काफी कंफ्यूज रहती हूँ इन दोनों चीजों में सो या दिस वन इज फ्रॉम अक्स आई लव अक्स फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ प्लेन कुर्ती ब्लैक कुर्ती एंड प्लेन ब्लैक स्लीवलेस कुर्ती इज अ मस्ट इन योर क्लोसेट तो एंड मुझे अच्छा क्या लगा कि इसके साइड में दे हैव दिस डिजाइन और बहुत ही प्लेन है एंड नॉट ओनली वन साइड बोथ साइड में उन लोगों ने ये वाला ऐड किया हुआ है इट गिव्स अ ग्लिम्स ऑफ एथनिक एंड बहुत शीक सा लुक होता है सो यू कैन वेयर दिस विद अ लेगिंग ब्लैक लेगिंग्स और एनी ऑफ योर चॉइस मैंने इसको पहना था दुर्गा पूजा अष्टमी के दिन विद आई पेयर्ड इट विद अ ब्लैक लेगिंग्स एंड अ ब्लैक हाई हील फ्रॉम कैटवॉक so yes I loved it it's a must if you're looking forward for a sleeveless long A-line kurti then you must give it a try guys next product jo maine is black simple kurti ke sath pair up kiya hai wo hai this one this is a dupatta banarasi dupatta which I personally love and iska jo color hai na itna meetha hai इतना प्यारा इतना स्वीट है आई लव्ड इट मोर एक्चुअली यू नो मैंने पहले सोचा दैट आई विल परचेज अ ब्लैक वन और अ रेड वन विद गोल्डन वर्क बट आप यूजुअली वो पहन नहीं पाओगे एकदम ओकेशन छोड़ के बट या इफ यू आर लुकिंग फॉर जैसे कि वेडिंग सीजन आ रहा है एंड इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू परचेज ब्लैक बनारसी दुपट्टा और रेड वन देन जस्ट गो फॉर इट इट ऑफकोर्स लुक्स ग्रेट बट विदाउट वेडिंग सीजन और स्पेशल ओकेशन में स्पेशल ओकेजन छोड़ के अगर आप बनारसी दुपट्टा उतना लाउड कलर के लोगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन आई माइट बी रॉन्ग बट मैं सजेस्ट करूंगी फॉर ओकेजन दोज आर गुड बट फॉर लंच विथ योर फैमिली और डेट जहाँ पे आप प्रेफर करोगे टू वेयर एथनिक ड्रेस आई थिंक दिस वन विल लुक अमेजिंग एंड इसका जो वर्क है ना दिस वन आई लव्ड इट Just look at this. The work is amazing, and iska jo these are the things which I loved it. Let me tell you, maine is dupatte ko
आई यूज इट ट्वाइस एंड आई वॉश्ड इट आफ्टरवर्ड्स. कलर नहीं निकला है, वॉश आउट नहीं हुआ है कलर. सो यस, हैप्पी टू गो. आई एम गोइंग टू हाईली रिकमेंड दिस दुपट्टा. इट्स लाइक अ मस्ट इन योर एथनिक कलेक्शन, जस्ट लाइक दैट स्लीवलेस ब्लैक कुर्ता. So yes, this one is from Shatrani and I'm going to mention the link. I absolutely love it. It's gorgeous. Alright, now I'm done with the ethnic wear. Let's move on to the Western collection. Now let's talk about the Western products which I purchased from Myntra. The first one is a long dress. So this is the maxi dress जो मैंने परचेज किया है एंड दिस वन इज फ्रॉम रेयर. या दिस वन इज फ्रॉम रेयर. इट्स अ मस्टर्ड ड्रेस एंड साथ ही में इसमें स्प्लिट भी है बोथ साइड, विच आई लव इट. व्हेन इट कम्स अबाउट मैक्सी ड्रेस और स्प्लिट हो तो बात ही अलग बन जाता है. इट लुक्स वेरी एलिगेंट एंड वेरी 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 सोफिस्टिकेटेड. इसका जो कट है बहुत ही प्यारा सा है. मोर ओवर इसका जो मटेरियल है, जो फैब्रिक है, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा. इट्स वेरी कंफर्टेबल. यू कैन वेयर इट इन समर एज वेल एज इन विंटर. आप इसको एक लॉन्ग जैकेट या फिर ब्लेजर के साथ पहनो, यू आर गोइंग टू लुक एब्सोल्युटली ग्रेट एंड वेरी 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 हाई स्ट्रीट फैशन. काफी अच्छा लगेगा एंड इसका प्राइस इट इज लाइक इट्स वेरी रीजनेबल. आई एम गोइंग टू मेंशन द प्राइस. आई थिंक इट्स बिलो 1000. मुझे ये शायद 800 के आसपास कुछ मिला था एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वेयर दिस. सो यस, यू शुड गिव इट अ ट्राई. अगर आपको कुछ ऐसे कट के, इफ यू रियली लाइक टू वेयर लॉन्ग ड्रेसेस विद फैंसी कट्स, सो आई एम गोइंग टू हाईली रिकमेंड इट. गो फॉर इट. नाउ नेक्स्ट, आई परचेस्ड अ टॉप फ्रॉम वेरो मोडा. ये भी डिस्काउंट में चल रहा था. लेट मी शो यू द प्रोडक्ट गाइस. दिस इज अ ब्लैक कोल्ड शोल्डर टॉप एंड आई लव कोल्ड शोल्डर. कुछ भी, मतलब व्हेन इट कम्स अबाउट ड्रेसेस, शॉर्ट ड्रेस, लॉन्ग ड्रेस, टॉप, एनीथिंग कोल्ड शोल्डर, आई पर्सनली लव इट. मुझे बहुत अच्छा लगता है कोल्ड शोल्डर का कुछ भी पहनना बिकॉज इट्स कम्फर्टेबल एंड ऑल्सो इट लुक्स वेरी ग्रेट. सो दिस इज द टॉप विच आई परचेस्ड, कोल्ड शोल्डर एंड ये फुल स्लीव है. नाउ व्हाट आई लव अबाउट दिस टॉप इज इसका जो स्लीव का डिटेल्ड पार्ट विच इज अमेजिंग. लेट मी शो यू. इसका अगर स्लीव को देखो आप तो यहाँ पे डिटेल वर्क है. पता नहीं कैमरा में कितना समझ में आ रहा होगा, बट या दैट्स व्हाट आई लव. मोर ओवर इसका जो बैक है. Now, there is another reason. It's a plain simple black top, cold shoulder, full sleeve. Now, back design. Back design is something like this. This is a really cool top and closet mein any girls. I really believe that girls do love black or white top and this is a perfect one. I am going to highly recommend. And when it comes about tops, I do prefer Vero Moda. मुझे Vero Moda का जो collection होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. उनका maximum जो top का collection होता है, I really love it. So yes, if you're looking forward to purchase a black top, then go for it. I will mention the link in the description below, so don't forget to check that out. Now the third product in Western collection. Again, a long dress I purchased. पहले वाला mustard collection का था and this one is from Dressberry. ये full sleeve नहीं है, आपके elbow तक आएगा. This one is a very soft fabric and moreover इस long dress में भी split है दोनों end में. So if you want to purchase a cool casual long dress just to go out with your friends or somewhere, so yeah, I'm going to highly recommend this one. Dressberry का collection मुझे of course अच्छा लगता है and उनका जो dresses का cost है वो भी काफी reasonable होता है. So way to go girls. Yeah, so if you're looking forward to purchase a casual maxi dress जिसका fabric काफी comfortable होगा, which you would love to wear for a day out, then go for it. Just now, I'm done with all the clothes section, ethnic and western wear. Now let's move to the accessories part. As you know guys, मैं हमेशा mention करती हूँ अपने हर एक videos में
that I'm not an accessories person. मैं ज़्यादा कुछ wear नहीं करती when it comes about earrings or necklace or bangles or bracelets, anything like that. But this time I thought to purchase a few from Amazon. तो let me show you the first product. The first product is from Zaveri Pearls. मुझे Zaveri Pearls का collection बहुत अच्छा लगता है, आज से नहीं हमेशा से ही. It's been almost 5-6 years. मैं जब भी when it comes about traditional jewelries, traditional earrings or neck piece, I always prefer Zaveri. क्योंकि उनका collection first बहुत अच्छा होता है, second काफी reasonable price का होता है. So जो सबसे पहला प्रोडक्ट है, आई एम रियली एक्साइटेड टू शो यू गाइज दिस पेयर ऑफ इयररिंग. सो दिस इज द इयररिंग विच आई परचेज फ्रॉम Zaveri Pearls. फर्स्ट, आई लव पर्ल्स. आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ पर्ल इयररिंग्स और नेकलेस और नेक पीस, एनीथिंग. सो यस गाइज, लेट मी शो यू द इयररिंग. दिस लुक्स एब्सोल्युटली वंडरफुल, स्पेशली इसका जो डिजाइन है, दिस इज अमेजिंग. जस्ट लुक एट इट. This pair of earring is really going to look really good with lehenga or sari or any kind of ethnic wear, even with salwar suit. Yes guys, I am highly going to recommend this pair of earrings from Zaveri Pearls. ये किस तरीके के बॉक्स में आता है वो भी मैं दिखा देती हूँ. Zaveri Pearls कुछ इस तरीके के बॉक्स में आता है. द सेकेंड प्रोडक्ट इज ऑल्सो फ्रॉम Zaveri Pearls, सो लेट मी शो यू. लेट मी ओपन. सो या, दिस इज द इयररिंग. आपने एक वीडियो में मेरी दुर्गा पूजा मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो में देखा होगा, आई गेस नवरात्रि, जहाँ पे मैं ये पहनी थी. तो पहले मैंने जब ये ऑर्डर प्लेस किया था, आई नेवर थॉट कि इतना बड़ा होने वाला है, इतना बड़ा होगा इसका साइज. आई रियली थॉट इट विल बी अ बिट स्मॉल लाइक दिस मच, बट ये काफी हैवी है. पहले वाला जो मैंने इयररिंग दिखाया था फ्रॉम Zaveri, दिस वन ये काफी लाइट है. अगर आपको लाइट इयररिंग्स पहनना पसंद है, देन गो फॉर इट. बट इफ यू आर कंफर्टेबल वेयरिंग हैवी इयररिंग्स, देन यस, इट्स अ वे टू गो. इट लुक्स सो गुड. लाइक आप पर्ल का कोई भी इयररिंग ले लो, कोई भी नेक पीस ले लो, कितना मतलब इट लुक्स सो एलिगेंट. मतलब पर्ल्स का तो बात ही कुछ और होता है. इफ यू आस्क मी कि मुझे ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरीज ज्यादा पसंद है या पर्ल, तो आई विल गो फॉर पर्ल. रिंग विच आई परचेज, मुझे ये जो इयररिंग है ना, इसी मैचिंग एक पर्ल चाहिए था, तो आई परचेज दिस वन. नाउ दिस वन इज नॉट फ्रॉम Zaveri Pearls, ये है फ्रॉम द ब्रांड शाइनिंग दीवा फैशन. ये कुछ इस तरीके के बॉक्स में आया था दिस रिंग. As you can see guys, the product looks amazing and it's very detailed. Moreover, इसका जो quality है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. It's more like Zaveri only. And yeah, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ how it is going to look on my finger. So yes, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही elegant और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. बिग फिंगर रिंग्स, देन गो फॉर इट. पर्ल का है एंड क्वालिटी इज अमेजिंग. गोल्डन है, पता नहीं इसका कलर जाएगा कि नहीं, आई कांट टेल यू दैट, क्योंकि मैं उतना टाइम उतना ज्यादा पहनी नहीं हूँ. मैं इसको शायद 2 या 3 बार पहनी हूँ, नॉट मोर देन दैट, बट आई एब्सोल्युटली लव इट. नाउ मूविंग टू द फोर्थ प्रोडक्ट. अभी तक मैंने आपको 2 इयररिंग दिखाया, एक रिंग दिखाया जो मैंने परचेज किया है फ्रॉम Amazon, एंड तीनों के तीनों ही पर्ल रिलेटेड है. सो आई नो कि राइट नाउ इंडिया में बहुत ज्यादा हाइप चल रहा है रिगार्डिंग ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज, एंड आई थॉट वाई नॉट टू परचेज वन फॉर मी. आपने ये देखा होगा मेरी एक वीडियो में, एक मेकअप ट्यूटोरियल में, एंड मैंने इसका पिक्चर भी पोस्ट किया है. सो दिस इज द इयररिंग विच आई एब्सोल्युटली लव इट. मुझे ये जो पता नहीं इसको क्या बोलता है, एक्सटेंडेड वन, जो आप हेयर में पिनअप कर देते हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. मोरओवर इट कम्स विथ अ मांग टीका, मांग टीका और इसका 2 इयररिंग. इट्स अ कम्प्लीट सेट विच इज गुड. अगर आप ये चूज करते हो परचेज करना फ्रॉम Amazon, गो फॉर इट. काफी ज्यादा लाइट वेट है एंड ऑक्सीडाइज्ड है, लाइट वेट है. सो इफ यू लाइक दिस काइंड ऑफ ज्वेलरीज, देन गो फॉर इट. ही आपको काफी वो होता है राजस्थानी और हरियाणवी वाइब देने वाला है. लाइक नॉर्थ इंडिया में स्पेशली गर्ल्स लव टू वेयर इट. दो आई एम नॉट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, बट आई लव टू वेयर दिस काइंड ऑफ ज्वेलरी. मुझे बहुत अच्छा लगता है पहनना ओकेजनली, बट या
I prefer a lot. So yeah, it looks very good with these two earrings and Mangtika. अगर इसकी quality की बात किया जाए तो not really impressive. मुझे लगा थोड़ा सा heavy होना चाहिए, मतलब at least थोड़ा सा heavy. But yeah, it's really good for those जिनको heavy jewelries बिल्कुल भी पसंद नहीं है. Now let's move to the fifth product, and fifth product is from Myntra. ये मैंने लावी का एक स्लिंग बैग परचेज किया है फ्रॉम मिंत्रा. आई लव इट द डिटेल्ड वर्क, क्योंकि मुझे कोई भी बैग अच्छा लगता है जिसमें गोल्डन डिटेल्ड वर्क रहता है. व्हाट आई लव अबाउट दिस स्लिंग बैग इज इट कम्स विद अ गोल्डन चेन. आप कैजुअली कहीं पे भी कैरी कर लो, ये बहुत अच्छा लगता है. इवन इट विल गो गुड विद अ ड्रेस और जीन्स, वेस्टर्न वेयर एज वेल एज फॉर एथनिक वेयर. काफी ज्यादा प्यारा सा बैग है, बहुत ही प्यारा है. इसका डिटेल वर्क मुझे बहुत अच्छा लगा. इवन लावी, इट्स ऑलरेडी मेंशन्ड, ऑफ कोर्स उन लोग का क्लासिक सिग्नेचर स्टाइल है. एंड या यहाँ पे एक चेन है. अगर आप इस बैग को when I will open, ऑलरेडी यहाँ पे भी एक चेन है. Now, when I will open this one, compartments है, then और एक chain है. So yeah, overall this bag is really एक तो compact है, साथ में इतने सारे compartments है, you can carry a lot of stuff here. It will gives you a very chic look. So yeah, when it comes to about sling bag, I chose to purchase this one from Lavie, and it looks absolutely amazing. So if you're looking forward to purchase it from Myntra, you can. अगर Myntra में available नहीं है then Amazon में है. मैंने इसको Myntra से purchase किया है, but later on I saw कि ये Amazon में भी available है और Amazon में इसका price कम है compared to Myntra. So yes, price के हिसाब से you can purchase it from Amazon. मैं recommend करती हूँ. I paid 1400 while purchasing it from Myntra, and later on मैंने जब Amazon में देखा यही same bag मिल रहा है Amazon में, I believe 900 में ऐसा कुछ. So yeah, 800 या 900. So yes, I will recommend. बैग सेम है, ब्रांड सेम है, क्वालिटी भी अच्छा ही है, तो आप इसको Amazon से परचेज कर सकते हो इफ यू विलिंग टू have this in your collection. Now, the second handbag, ये मैंने purchase नहीं किया है, ये मुझे as a present मिला है, birthday present from one of my friend. So this is another bag from Lavie. I like it. It looks really classy. अगर इसमें और भी दो तीन colors आते हैं, I believe और एक color आता है, that is tan. So it is really good. इसमें कंपार्टमेंट्स भी बहुत सारा है. दिस वन इज नॉट अ हैंड बैग दो, ये एक सैचल बैग है. ये कुछ इस तरीके से आता है, यू हैव टू ओपन दिस अप. देन नाउ इसमें चेन है, शो यू. या सो दिस इज द बैग इनसाइड. तो बैक इनसाइड में कुछ ऐसा दिखने में है. एंड साथ में ये भी आता है साथ में, विच यू कैन कनेक्ट विद इट. जस्ट शो यू, आप इसको इस तरीके से यू कैन जस्ट कनेक्ट इट एंड जस्ट स्लिंग बैग की तरह आप कैरी कर सकते हो. कंपार्टमेंट की बात करा जाए तो यहाँ पे भी वैसा ही है, दिस वन. नाउ देयर इज अनदर वन. सो यस गाइस, ओवरऑल आई पर्सनली लव दिस बैग, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा. This is the one. If you're looking forward for a formal yet classy satchel bag, then go for it. I'm almost done with all the products I recently purchased. Ethnic wear हो गया, western wear हो गया, and accessories भी हो गया. I really hope मैंने जितने सारे products आपको दिखाया है आपको अच्छा लगा होगा. And if you're really looking forward to purchase any of this, then don't forget to check the description below. सारे के सारे link मैं mention कर दूंगी, you can easily purchase it. हाँ, कोई product अगर आउट ऑफ स्टॉक होगा देन जस्ट वेट फॉर इट, जब आ जाए तब आप परचेज कर लीजिएगा. एंड या दैट्स ऑल. आई रियली होप दैट यू एंजॉयड दिस वीडियो, एंड इफ यू डिड देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, टेल योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स एंड अदर्स टू सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी एंड बी अ पार्ट ऑफ माई फैमिली. ऑल्सो जाते जाते और एक बात बताना चाहती हूँ गाइस, दैट यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन माई सोशल मीडिया अकाउंट्स लाइक माई इंस्टाग्राम, माई फेसबुक पेज, ट्विटर.
सारे के सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी. और एक बात, आई डू हैव माय ओन वेबसाइट वेयर आई डू पोस्ट ब्लॉग. यू कैन आल्सो सब्सक्राइब टू माय वेबसाइट. दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू सून इन माय नेक्स्ट कंटेंट. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. स्टे होम, स्टे सेफ, एंड इफ यू आर गोइंग आउट यू नो द ड्रिल. यू नीड टू वेयर अ मास्क एंड टेक अ सैनिटाइजर. एंड आई लव यू गाइस. बाय.